2015 में सलमान खान की मूवी बजरंगी भाईजान आई, जिसमें इंडिया को नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव और डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को ओपन माइंडेड और नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग दिखाया गया। उस मूवी को देखने के बाद आईआईएम अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च टीम तैयार की। उस रिसर्च टीम ने 1950s से लेकर 2010s तक के बॉलीवुड मूवीज का एनालिसिस किया। उस एनालिसिस के कुछ पॉइंट्स ये हैं। 74% ऑफ दोज फिल्म्स प्रेजेंटेड द सिख कम्युनिटी एज लाफेबल। 58% ऑफ द करप्ट पॉलिटिशियंस हैड अ हिंदू ब्राह्मण लास्ट नेम। 62% ऑफ करप्ट बिजनेसमैन हैड अ वैश्य लास्ट नेम। चलो ठीक है, सारे ही कम्युनिटीज को बुरे लाइट में दिखाया, लेकिन नहीं, द हिपोक्रिटिकल थिंग इज दैट 84% ऑफ मुस्लिम्स इन द फिल्म्स वर शोन एज स्ट्रॉन्गली रिलीजियस एंड ऑनेस्ट। और अगर किसी को क्रिमिनल दिखाया भी गया तो ये दिखाया गया कि भाई दिल का सबसे अच्छा है। फिर उस रिसर्च टीम ने ऐसे 20 बॉलीवुड फिल्म्स को एनालाइज किया जो पाकिस्तान में बेस्ड थे, यानी मूवी की सेटिंग पाकिस्तान में थी। इन 18 ऑफ दोस 20 फिल्म्स पाकिस्तान वाज प्रोजेक्टेड एज ओपन माइंडेड, वेलकमिंग एंड करेजियस। चलो ठीक है, किया, लेकिन उन्हीं मूवीज में इंडियंस को नैरो माइंडेड, अनवेलकमिंग और कंजर्वेटिव दिखाया गया। ये वही बॉलीवुड है जिसमें गुंडे, मवाली और अंडरवर्ल्ड के लोगों को तिलक लगाए हुए दिखाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ मास मर्डरर्स और कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई और ग्लैमराइज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि क्या यार, मूवीज आर फॉर एंटरटेनमेंट, ज्यादा मत सोचो। जी नहीं, फिर उसी रिसर्च टीम ने स्कूल्स में एक सर्वे कंडक्ट किया और उस सर्वे से ये पता चला कि 94% बच्चे ये मानते हैं कि बॉलीवुड की स्टीरियोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑथेंटिक है। उसी रिसर्च ने यह भी बोला कि रीसेंट डेकेड्स में हिंदूस को स्टीरियोटाइप करना और भी ज्यादा बढ़ गया है। अभी रिसेंटली बॉलीवुड में एक टर्म को बहुत ही एफिशिएंसी से मार्केट किया जा रहा है, हिंदू टेरर। अनुराग कश्यप, जिसने सेक्रेड गेम्स में हिंदूस की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने इस टर्म को ट्वीट भी किया था इन अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ हिज हिंदू फोबिया। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा के प्रोड्यूस्ड शो क्वांटिको में अमेरिका में एक टेरर अटैक के पीछे रुद्राक्ष पहनने वाले हिंदू को दिखाया गया। क्वांटिको वाज अ शो स्पेशली मेड फॉर प्रियंका चोपड़ा एंड प्रोड्यूस्ड बाय हर, सो प्लीज इट वाज इन हर कंट्रोल टू से यस और नो टू दैट स्क्रिप्ट। प्रियंका डिफेम्ड द वेरी कंट्री दैट गेव हर ऑल द लव एंड मेड हर फेमस। अनफॉर्चुनेटली इवन शी टर्न्ड आउट टू बी हिंदू फोबिक। मैं इन सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटी से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। Name one terror attack that has been carried out by people of the Hindu community across the globe. Sab jante hain ki Indian community pure globe mein phaili hai aur inme se majority Hindus hi hain. To inse kisi desh ko problem kyun nahi hui? Kya Paris attacks Hindus ne karwaye the? Europe mein rapes aur mass shootings Hindus kar rahe hain? Kis hak se Anurag Kashyap ye bol raha hai ki Hindu terror is increasing? किस हक से प्रियंका चोपड़ा एक पूरे कम्युनिटी को दोष दे रही है अपने शो में? इनफैक्ट व्हेन अफगानिस्तान वाज डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेजन्स, इट वाज इंडिया, अ हिंदू मेजॉरिटी नेशन, हु बिल्ट अ पार्लियामेंट फॉर अफगानिस्तान। एंड माइंड यू, अफगानिस्तान इज अ कंट्री विद 99.7% मुस्लिम्स, सो प्लीज डोंट से इंडिया इज इस्लामोफोबिक। हिंदूज आर जस्ट अगेंस्ट फोर्सफुल कन्वर्जन्स, लव जिहाद एंड टेरर, which are not depicted in so-called shitty Bollywood films. You just cannot keep targeting one innocent community just because it is tolerant and stays silent.